कैंडी के हवाले से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे जो सोशल मीडिया का पोस्ट होगा। इसकी कॉपी ओनली फ्रूट के नाम से है और जय कैंडी लोगो है। तो चले चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। जय कैंडी एक लोगो है जो ऑलरेडी खुला हुआ है मेरे पास और मैं इसका साइज़ बनाऊंगा सोशल मीडिया के 1080 और 1080। ये नॉर्मल साइज़ होता है पिक्सल के अंदर, 72 रेजोल्यूशन होता है, RGB इसका कलर होता है। सो ओके करेंगे और सबसे पहले हम इसको लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कलर देंगे ताकि कुछ तो नज़र आ जाए हमारे लोगो। ठीक है जी, से रिड्यूस करेंगे, लेकिन रिड्यूस से पहले हम ये बात याद रखना कि इसे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। राइट क्लिक करके, थंबनेल पे नहीं, यहाँ साइड में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आएंगे कंटेंट की तरफ, कंटेंट हमारा ये है ओनली फ्रूट। बैकग्राउंड कलर ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ब्रांड के हिसाब से कलर डालेंगे, बाद में देखेंगे। ओनली फ्रूट सही है। अब ये कैंडी का है, या इसके ब्रांड से ही पता चल रहा है, ब्रांड के लोगों से ही पता चल रहा है कि कैंडी लिखा हुआ है, जय कैंडी। तो कैंडी का है तो कैंडी में ये फ्रूट के फ्लेवर होंगे, मैंगो होगा, ऑरेंज होगा, तो लिहाजा हम कुछ लिखेंगे ऑरेंज मैंगो, इनके फ्लेवर होगा और भी कुछ होंगे, हम ऑरेंज की तरफ भी जाएंगे बेहतर होगा, ज़्यादा मुझे सर्च नहीं करेंगे। हमारे विजुअल के अंदर कैंडी भी होगा क्योंकि कैंडी देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कैंडी का ही है, और ऑरेंज का कुछ जूस वगैरह भी नज़र आए, जूस होगा, ड्रॉपिंग वाली जूस देंगे, स्प्लैश जूस। ठीक है, तो हम इनमें से कुछ फाइंड करेंगे गूगल में। सबसे पहले हम कैंडी देखेंगे ताकि हमारा तस्वीर के अंदर क्या क्या चीज़ एडजस्ट हो सकता है। गूगल की तरफ आएंगे, कैंडी रैपर, क्योंकि हमारा रैपर वाला कैंडी है तो हम रैपर वाला कैंडी क्यों ना लें। ऊपर कुछ, ये कुछ सही है, ये कुछ सही है, मगर सही नहीं भी है, ये कुछ बेटर है। राइट क्लिक किया, सेव इज इमेज, ये PNG की बनेगी। ठीक है, ऑरेंज हम उठाएंगे, ऑरेंज ये अच्छा लग रहा है मुझे, बंदा देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये अच्छा है। ठीक है, हम उसी डॉक्यूमेंट सेव किया, ऑरेंज उठा लिया, कैंडी उठा लिया हमने, और मैंगो, अब मैंगो तो नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑरेंज उठा लिया। जूस वगैरह और ड्रॉप स्प्लैश हम बाद में देखेंगे, पहले हम दोनों को मर्ज करेंगे, ब्लेंड करेंगे ऑरेंज और कैंडी को। आए चलते हैं, हम देखते हैं, ओपन करेंगे ऑरेंज। ठीक है, इसे हम ड्रैग करके अपने आर्टवर्क के अंदर इंसर्ट करेंगे, और अब हम कैंडी लेके आएंगे, इसे हम कटिंग करेंगे मैजिक टूल के जरिए से, ट्राई करते हैं। हाँ, ये सिलेक्शन हो गया है मैजिक टूल के जरिए से। अब इसे हम इन्वर्स करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, जो अब जो है कैंडी के ऊपर सिलेक्शन हो गई है। कंट्रोल जे कर नहीं हो रहा तो ये इंडेक्स
इसकी फॉर्मेटिंग ज़रा चेंज है, इस वजह से ये कमांड काम नहीं कर रहा, तो इसे हम इंडेक्स के बजाय हम आरजीबी कलर में करेंगे और 80 बिट सही है। कंट्रोल चेक कर, अब हो गई है, क्योंकि वो मूड जो है ना इनकी इंडेक्स कलर में था तो हमने आरजीबी किया तो अब ये कमांड काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये इसके साथ एक छोटा सा लोगो आ रहा है, ये किसी और ब्रांड का है, यहाँ लेके आए, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम कॉपी करेंगे, कॉपी क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे, राउंड सा कटिंग करेंगे आल फिलहाल। कंट्रोल जे, डुप्लीकेट बन गई है इसकी, इसे डिलीट मार दिया, सही है। क्योंकि हम ओनली फ्रूट की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है हम फ्रूट ही शो करेंगे अपनी कैंडी के अंदर, कैंडी को सीधा रखेंगे और छोटा रखेंगे। अच्छा हाँ, अब वही बात हुई, जैसे कि हमने इसे छोटा किया बाद में इसे लार्ज करेंगे तो हमारा फोटेज में ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि अंडू मारो, कंट्रोल जेड, इससे पहले स्मॉल करने से पहले हम इसे स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे ताकि हमारा इमेज डैमेज ना हो, सही है। इसे भी रिड्यूस करेंगे, इसकी एजेस हम ब्लर करेंगे, इसके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो कुछ अच्छा ही लग रहा है। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड अजीब लग रहा है हमें, बैकग्राउंड हम डार्क सा ऑरेंज की तरफ लेके आएंगे, हम ऑरेंज की फ्लावर डाल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम ऑरेंज ही यूज़ करेंगे, इसको भी हम ऑरेंज की तरफ लेके आएंगे, कैंडी को भी, कैंडी की रैपर को भी कलराइज करने से। अच्छा, हम ये तो हम बताना भूल गया, कंट्रोल यू करने से सिचुएशन आ जाती है और कलराइज करने से फौरन उसी टून के ऊपर, ऑरेंज की टून के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। तो और ब्राइट करेंगे इसे, ये उसे और मजीद कंट्रोल एम करेंगे, कंट्रोल एम से हम और मुझे देख के देखते हैं क्या बनेगा कर्व में। सही है, अभी भी बैलेंस येलो टून की तरफ नहीं है तो उसे कंट्रोल बी रखेंगे, कंट्रोल बी में हम देखते हैं क्या है, येलो टून की तरफ की जाने हम करेंगे इसे ज़्यादा, या ऑरेंज, ऑरेंज हो ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका बैलेंस अभी भी सही नहीं है, कंट्रोल आर से हमारा स्केल नज़र आ जाता है, कंट्रोल टी, ठीक है, ये बराबरी हो गई है ना, सही है। अब जो है दोनों को क्लिक किया हमने, बैकग्राउंड बहुत हमारा लाइट है, हमारा प्रोडक्ट इतना नज़र नहीं आ रहा तो लिहाजा हम इसके ऊपर कुछ कुछ वाइटनेस वगैरह देंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट भी क्लियर नज़र आ जाए। बी दबा दिया, बी के बाद ब्रश आ गया, ब्रश के राइट क्लिक करके स्केलिंग किया मेरे ब्रश को, यहाँ हमने वाइट फ्रंट पे लिया ये। अब कंट्रोल टी करेंगे, हम अपने ब्रश की साइज बढ़ा लेंगे थोड़ा, यहाँ कुछ ऑरेंज वाला भी आ गए हैं, इस डिलीट कर दें, दोबारा बी दबाओ, ब्रश आ गया, वाइट वाला सिलेक्शन लीजिए, सही है।
कंट्रोल टी, सही है। या इसे हम येलो वाइट के बजाय हम कुछ येलो टून की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ओवरऑल सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ ब्रश पे नहीं हो रहा जो मैंने ब्रश बनाया है। तो इस चीज़ को पिक्सल को लॉक करेंगे हम, ये लॉक। अब ऑल्ट बैक स्पेस, अब येलो टून आ गया इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि हमारा येलो टून दिखे। और इसको और मुझे लाइट करेंगे, या वाइट रख के देखते हैं दोबारा, वाइट में मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा आ रहा है। कंट्रोल एम, ये सही है, ठीक है। अच्छा तो हम इस चीज़ को ब्लेंड करेंगे इसके साथ। सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। फिलहाल एक तो हम अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ना टॉपी कंट्रोल जे करें, दो दो बना दें ताकि एक अपनी जगह बरकरार रहे, इसका एडिट रखें, एक जो है ना कन्वर्ट कर दे रेस्टार्ट रेयर के अंदर, इसके अंदर हम एडिट करेंगे। रेक्टेंगल टूल लेंगे और थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे। अब इसकी एजिस को, ऑरेंज की एजिस को इसके साथ मर्ज करेंगे हम, ये लिया, थोड़ा सॉफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, अंडू मारो, वाइट पे चढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। कुछ हाँ कुछ तो लग रहा है, और हमारा रैपर जो है ना थोड़ा सा ऑरेंज टून की तरफ लेके आएंगे ताकि, या येलो टून की तरफ लेके आएंगे अपने रैपर को, और ताकि हमारे ऑरेंज से ब्लेंड हो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस पर काम करना भी मुझे नहीं पड़ेगा हमें आगे। हम रैपर कैंडी को, कैंडी के रैपर पे इसे हम येलो टून की तरफ लेके आएंगे, और ये अच्छा हो गया है। ऑरेंज में ये लाइनें बहुत बारीक बारीक है, हम इस बारीक लाइन को थोड़ा सा बस मोटा करने की कोशिश करेंगे ब्रश के साथ। राइट क्लिक किया हमने, ब्रश की साइज छोटा किया और आर्ट ले लिया बिल्कुल, और छोटा रखेंगे चार, और छोटा रखेंगे दो, हाँ एक लेयर्स को लेंगे ताकि हमारा ऑरेंज वाली लाइन को डिस्टर्ब ना करे। या इसको हम जरा जरा सी मेहनत से ही इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सही है,
ये हमारे एक लेयर अलग से बन गया है और इसे हम बेलर ये स्मूथ टूल के ज़रिए से मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये करता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बिलरी करता है और आपकी चीज़ों को थोड़ा सा मोशन की तरफ लेके जाता है ना। सही है, हम अंडू मारेंगे, ये हमने आपको दिखाने के लिए किया। हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ और यहाँ डबलिंग आ गया। पहले क्या था, कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब थोड़ा बहुत नज़र आने की कोशिश की हमने इसे, और इसको थोड़ा सा कलर में डाल देंगे येलो टून के अंदर। हाँ, पिक्सल लॉक करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। और पिक्सल लॉक है, हम इसे वाइट, जहाँ जहाँ हमें वाइट ज़रूरत पड़े हम इसे वाइट यूज़ करेंगे। ब्रश साइज बढ़ा दिया मैंने, 1 सेकेंड। हाँ, ये पहले इतना था हमारा लाइन, अब कुछ नुमाया हो गया है। मिरर लगाएंगे ऑरेंज के ऊपर, एक इसकी डुप्लीकेट लेंगे ताकि हमारा पोट्रेट खराब ना हो। इसका एडिट करेंगे अभी फिलहाल, यही हम लेंगे। साइज बड़ा करेंगे, ओ एक सेकेंड। ये अच्छा लग रहा है काफी। यहां तो थोड़ा सा डार्क टोन रखेंगे, हम यही सिलेक्शन किया हमने से, थोड़ा सा ऑरेंज हम अपना डार्क टोन रखेंगे। राइट क्लिक करो, सॉफ्टनेस करो इसको, राइट क्लिक करो और थोड़ा सा बॉर्डर पुरुष को बढ़ा दो। सही है, ब्रश सही है, इसकी ओपोसिटीज को थोड़ा और कम करेंगे ब्रश की। अच्छा, इसको हम ब्लेंड करेंगे मल्टीपल, ये बिल्कुल सॉफ्ट ही हो गया। इसको थोड़ा सा हम ओपोसिटी और मुझे कम करेंगे। पहले क्या था, ये था, अब ये हो गया। चेक करते हैं इसको दोबारा, ये था, ये हो गया, और ये लाइन है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अगर हम दोबारा जस्ट करेंगे इसे, ग्रुप करना, एडिट एडिट के नाम से किया मैंने एडिट। हाँ, पीका पीका हो रहा है, हमने इसे थोड़ा और शार्प किया, अच्छा किया। और एक इसे तो अपडेट मार दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, बस हम अपना फॉन्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से रखेंगे।
अगर आपको फोन ना मिले हम डा फोन से भी उठा सकते हैं। इसको कॉपी कर, सही करेंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा बड़ा है छोटा रखेंगे, और इसके नीचे ड्रॉप छोड़े देंगे हम, ड्रॉप शेडो बी, या यहाँ से ब्रश टूल राइट क्लिक किया, ब्रश का साइज बढ़ा दिया हमने। अब जो है हमें ब्लैक चाहिए, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो ब्लैक हमने उठा लिया, जितना कैंडी उतना ही ले लेंगे हम ड्रॉप शेडो, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, सही है, और इसके ऊपर रखेंगे, ये शेड के ऊपर रखेंगे क्योंकि शेड के नीचे था, शेड के ऊपर रखेंगे, इसकी ओपेसिटी कम रखेंगे ड्रॉप शेडो की ज़रा सा। अब ड्रॉप शेडो को थोड़ा मोशन देंगे, यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, बेलर, मोशन बेलर, ये ओपोसिटी और मुझे कम रखेंगे हम, ये करीब ही रख सकते हैं, नहीं ये ड्रॉप शेडो थोड़ा सा। अच्छा हम आएंगे फॉन्ट की तरफ, फॉन्ट को हमने कॉपी किया, हमने हमारे पास अगर फॉन्ट सही नहीं मिले तो हम अपने डा फॉन्ट से भी उठा सकते हैं। यहाँ ओनली फ्रूट को पेस्ट मारा, ये थोड़ा अच्छा लगा, ये थोड़ा टिक है, यही अच्छा लग रहा है, देखते ही क्लिक हो गए। ऐसे हम डाउनलोड किया हमने इसे, और हमने अनजिप करके, ये अनजिप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बोल्ड वाला उठाएंगे, रेगुलर कमांड ये उठा देंगे, स्टॉल कूल वेटिको के नाम से, हमारे पास फोन डाउनलोड हो गया, कूल कूल वेटिको रेगुलर आ गया ये। स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम कर, कैपिटल रख, नहीं ये ओनली फ्रूट, हम फ्रूट को थोड़ा बैकग्राउंड देंगे, थोड़ा अच्छा लगे, ट्रेपेंट लगे, फॉन्ट से भी अच्छा लगे, कलर थोड़ा चेंज करेंगे इसे हम, ग्रीन टून की तरफ लेके जाएंगे, अब कुछ तो कुछ चेंज हो जाए, ये और इसको हम ग्रीन रखेंगे, देखते हैं, सही है, सही भी है, सही नहीं भी है, हाँ मगर ये के आपको जो अच्छा लगे वही करे, किसी की सुनना नहीं, अपनी करना, बस ये कि कंटेंट के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना है, क्रिएटिविटी निकालना है कंटेंट के हिसाब से। हाँ इसके अंदर हम कुछ जूसेस के हवाले से कुछ देंगे, स्प्लैश स्प्लैश जूस, ये देखते हैं हम, वैसे कंटेंट हमारा कंप्लीट है मगर ये कि फिर भी हम इसके अंदर कुछ ना कुछ देंगे ताकि अच्छा लगे, हमारे पास अगर टाइम है। स्प्लैश जूस में हम एक यहाँ से कुछ निकलता हुआ नज़र आ जाए, ये यहाँ से, हाँ
ड्रॉप देखते हैं, ड्रॉप जूस, जूस ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ये चीज मैं चाह रहा हूं। जैसन कहे तो बड़ा चाहिए, ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, चल सकता है, ये नहीं, इन्हीं में से लेंगे। कॉपी पेस्ट, ये भी वेक्टर पे है मगर ये के बन सकता है इसे बात। अच्छा ये वाइटनेस नज़र आ रहा है तो लिहाजा हम इसे सिलेक्शन करके एक्सपेंड करेंगे और डिलीट मारेंगे, वाइटनेस करना ख़त्म हो गया। और लेसर टू लेके कॉपी पेस्ट किया हमने, यहां से रबड़ के जरिए से रेस करेंगे इसे। और कंट्रोल यू दबा के ये कंट्रोल यू से ही हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि ये सही है। ये लग रहा है कि इसी की पार्ट है जो तकरीबन, और इसे थोड़ा सा येलो टून यहाँ से देंगे ताकि लॉक करेंगे इसे हम। या इसको हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे, ये आउट हो गया ना, इसको हम रेजर के जरिए से मिटाएंगे। ये ज़रा ज़रा सी चीज़ें जो है ना आपकी पूरी विजुअल को ख़राब कर देगा। बस एक यहाँ देंगे, एक छोटा सा देंगे हम इसे, कंट्रोल टी करके फ्लिप ऑरिजेंटल करेंगे ताकि ये दूसरी जानेब हो। और इस चीज को और मुझे तो हम पिला सकते हैं, एक मिनट, यही चीज लिया हमने लेयर को ली और ये, ताकि ब्लेंड हो। ये सही है फिर भी, और ठीक है ये हमारा हो गया ओनली फ्रूट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हम इसको और मज़ीद अच्छा करने के लिए इस फ्रूट को और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ओनली या फ्रूट को नीचे लेके आएंगे, फ्रूट ये भी कर सकते हैं,
ये भी कर सकते हैं और इस चैट को एक तो वही विजुअल था, एक दूसरी विजुअल हम ये भी कर सकते हैं, ओनली फ्रूट। इस चीज को ये यहां बैठ रहा है हम यहां बैठा देंगे, ये only fruit। और इसको और मुझे शेड को बढ़ा देंगे क्योंकि इतना बड़ा कैंडी लगा हुआ है, घर बैठे थोड़ा बहुत शेड होना चाहिए। या शेड ना दे तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। ये सही है, ये हो गई हमारी आर्टवर्क। और इसको और मुझे 3D करने के लिए इसको कॉपी किया, ऊपर वाले को हमने ड्रॉप शेडो दिए, ड्रॉप शेडो कंटेस्टेंट, पीछे वाले को मैंने कॉपी किया, कुछ किया नहीं है, और फ्रंट वाले को मैंने ड्रॉप शेडो दिए, तो ये 3D की शक्ल में तकरीबन स्टाइल हो गई है। ये इसी तरह से इसको भी ओनली को भी कंट्रोल जे और इफेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो ड्रॉप शेडो दिए मैंने, ओनली फ्रूट। अच्छा ये इसके नीचे भी कोई शेडो वगैरह आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैंने ब्रश दबा दिया, ब्रश के बाद हमने इसे हल्का सा अब इसे लेजर के जरिए से मिटाएंगे जहाँ जहाँ रिक्वायर है, ओपेसिटी कम करेंगे। ये सेंट्रलाइज नहीं है तो हम इसके सेंट्रलाइज करेंगे बैकग्राउंड और शेड को छोड़ के, बाकी सबको ग्रुप रखेंगे और सिर्फ लोगो, ये वाला लोगो कहाँ है, हम ग्रुप करेंगे इसे लिखा ओनली फ्रूट और हम अपने लोगों को बाहर निकालेंगे जरा ग्रुप से। तो हम किसी भी तरह से टैक्स को 3D शक्ल में लेंगे या कुछ नॉर्मल फ़ॉन्ट में लेंगे, अगर हम टैक्स पे भी कह लेंगे तो और मुझे अच्छा रहेगा हमारा विजुअल। इस पे हमने विजुअल और टैक्स को दोनों को मिला के किया है अच्छे तरीके से, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसा मैंने आइडिया निकाला कि ओनली फ्रूट यानी कि फ्रूट कैंडी का है, तो कैंडी और फ्रूट के साथ मैंने ब्लेंड करने की कोशिश की है जो अच्छा लगे आंखों में।